आगे में जो भैया मर के ये बने पूरी वाली आए देखिए आज की
भाई आई है रावणा के निवासी 51 रुपये का पुरस्कार लेके आई है। बाबू ये सूरत ना है की बात कहो यही कहा सूरत ना है ना सूरत है ना, ना ये भट्टू सिंह भैया ने तोहरी ऊपर एकदम फिदा हो चुका है। कहा था 51 रुपया दे दे जैसे तू पीली ड्रेस सी आए हो उससे और पीली ड्रेस सी है। आपसे मैं एक बात और कहने वाली थी पिताजी। बोलो क्या कहने? पिताजी आज मेरा दिल बहुत खरा है शिकार करने के लिए। पिताजी शिकार खा के मंगवा मुर्गा मंगवा जाए शिकार करने जाऊंगी। हाँ पिताजी हाँ पिताजी घर आते रहते मेरे दिल लूट गया है शिकार करने जाऊंगी। ठीक है पिताजी हाँ पिताजी बाबा जी मैं शिकार खेलने जाना ही नहीं चाहती हूँ। आप सुनाना तो भेज दीजिए लेकिन मैं शिकार खेलने नहीं जा रही नहीं माँ माँ अगर कह रही है माँ सही कह रही है कि मैंने नहीं जाएगी मैं शिकार खेलने को चाह रही जाएगी रखिए में मैं जाऊँ। अगर नैना कह सुनैना कह रही है तो सुनैना के भेज पापा जी मुझे शिकार खेलने की शौक नहीं है। मैं घर में जो काम रहेगा मैं काम करूंगी पापा जी काम नहीं ये काम नहीं हाँ पिताजी तुमको हाँ पिताजी मैं अकेले कैसे जा सकती पिताजी हाँ पिताजी अगर तुम जाना चाहते हो कि तुम दोनों बहन साथ में जाओगे हाँ पिताजी अरे तो मैं भी चल रही हूँ मैं ना इधर आ क्या है देख रहे ना झगड़ा तो हर घर में होता है हर जगह मतलब छोड़ी अगर मैं बाहर जाऊँ तो मेरे साथ ना जाए अगर कहीं मुझे कुछ हो गया क्या तो सुकून से जी लेगी जी तो नहीं पाऊंगी पर मुझे जीना पड़ेगा लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जा सकती हूँ जा सकती हूँ लेकिन आज मुझे खाली नहीं हूँ घर में बहुत सारा काम है बर्तन मांजना है और सारा काम है इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। आप मैं पिताजी से कहती हूँ इस घर में नौकर आ जाएगा और सारा काम करेगा अब हम लोग को काम करने की जरूरत नहीं है। नौकर साथ मरीता थी और तो मैं भी घर की नौकरानी हूँ कोई राजकुमारी नहीं राजकुमारी तो आप दादी समझाइए ना मैं अकेले कैसे जाऊँ। जो बेटी है ना नौकर के लिए नौकर के लिए ये बात है नहीं मेरे को नहीं चला है क्या जी तो बेटी है ना देखिए हमारे मानी श्री आ गए हैं एल के पी के अपनी बहन ठीक है बाबा जी उससे मैं भी आपकी बात टाल ले सकती हूँ अगर आप गए हैं तो मैं सुनैना के साथ जाऊंगी क्या दीदी तो मेरे साथ चले के तैयार है ना पापा जी कहे पापा जी की बात मैं नहीं डालूंगी चलूंगी उनके पास ठीक है चल मेरे साथ आगे के पालन जरूर करूंगी कहना क्या है चलो देखिए आगे आगे रहना फिर वही चार होना और सभी इस गांव के लोग बहुत डरते हैं क्यों डरते हैं कहते हैं हट जाओ नागपाल सिंह की बेटी आ रही है आ जाओ दोनों नागपाल सिंह की बेटी आ रही है अगर आ जाएगी बहुत खतरनाक
बनारस हो गए। और सही बाबा जी के बनारस करके बहुत लोग डरते हैं। अच्छा चले हाथी कहने का है बाबा जी आप आई हमरा समझ पाई कबरन में मारपीट हो जाते कबरन में बोलचाल हो जाते हैं तो हो एक आकदारी नैना बहनी को गुस्सा के गुस्सावा चल कर बेगम मातारी लड़की हो हमारे पास आपका कैसा अनुभव हुआ क्या कमू से
जरूर बताऊंगा डॉक्टर साहब, ठीक है बताइए आप बैठ जाइए। आए देखिए फिर वही चाह वाला चाचा और भतीजे, मैं आपके पास आया हूँ और किस लिए आया हूँ, सुनिए मेरी बात को। अरे मन में चाहता भारी के बारे में लगा
मुझसे बात लेकर लेता।